नमस्कार दोस्तों, आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बाकी और दिन के मुकाबले थोड़ा अलग है। वो इसलिए क्योंकि आज 15 अगस्त 2021 हमारा भारत देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी बात को देखते हुए कि आज इस मुकाम पे पहुँचने तक के लिए हमें कितनी चीज़ें जो है बलिदान देनी पड़ी और बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो आज की स्थिति हमारे लिए है। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। टॉपिक रखा हुआ मैंने कि इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है उसमें विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं वो उन विषयों का क्या इम्पोर्टेंस है वो चीज़ देखते हैं। तो हम जनरली पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जो एक बेसिक सब्जेक्ट है कक्षा 8 और 9 या फिर 10 तक कुछ जगहों तक जो है कम से कम इतने जो है पढ़ाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इस पृथ्वी के एग्जिस्टेंस से। तो ये मैंने जो है सौरमंडल का एक पिक्चर बनाया हुआ है जिसमें दिखाया हुआ है कि हमारे इसमें 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी एक ऐसा है जहाँ पे जीव पनप सका। तो ये जो जर्नी हमारे इस आज के तक पहुंचने की है वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स एगो और लगभग यूँ कह सकते हैं कि 500 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी जब एक्सप्लोजन हुआ था और उसके बाद जो कण सभी जगह बिखरे हुए थे वो धीरे धीरे इकट्ठा होके विभिन्न प्रकार के जो ये ग्रह हैं वो बने और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। धीरे धीरे पृथ्वी पे जो है कि इवोल्यूशन हुआ और जीव आए, बहुत से जीव आए और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बुद्धिमान जीव मनुष्य है वो यहाँ पे आए। तो पृथ्वी पे जो है ह्यूमंस जो कहलाते हैं वो लगभग 3 लाख ईयर वो 3 लाख साल पहले यहाँ पे वो आए और हम भारत में जो सिविलाइजेशन देखते हैं अपनी पुरानी सभ्यता जो है वो लगभग 2600 BCE बिफोर कॉमन एरा जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2600 साल से लेके 1900 साल पहले जो है यहाँ भारत में सभ्यता शुरू हुई थी जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग यहाँ पे शहर बना के रहना शुरू किए। जब लोग इस तरह से शहर में रहना शुरू किए मतलब एक समाज की उत्पत्ति हुई, समाज बना, लोग एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट होना शुरू हुए और एक दूसरे के बारे में जो है जानना, विभिन्न प्रकार के कार्य करना और जीविका चलाना जो है वो शुरू किया गया। और इतने साल बीतने के बाद लगभग जो है कि इस समय अगर देखें तो 4600 साल बीत चुके हैं और इतने दिनों में जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उनको देखते हैं हम। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो औद्योगिकीकरण हुआ था तो 1760 से लेकर 1830 के बीच में जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और सबसे पहले जो इंडस्ट्री आई ब्रिटेन में आई। हमारे जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड्स, क्लोथ और शेल्टर, भोजन जीने के लिए चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और हमें आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं से बचने के लिए जो है हमें घर चाहिए होता है। तो ये कम से कम हमारी ज़रूरतें हैं जिनको हमें पूरा करना होता है हर हाल में अगर हमें जीवित रहना है। तो सबसे पहले देखें तो हमने जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन में जो सबसे पहले इंडस्ट्री बनी वो मैकेनाइज्ड स्पिनिंग जो 1780 के लगभग हुई थी। लगभग 240 साल पहले की ये बात है, लगभग 240 साल, ये डेटा जो है एक जो है अनुमान है, एक सटीक डेटा नहीं है। तो बस खाली इसलिए कि अनुमान कहने के लिए इसलिए कि यहाँ हमारे मनुष्य जीवन को लगभग 3 लाख साल हो गए और उसमें से कल कारखाने को आए खाली 240 साल पहले ही हुए हैं और आज हम जो है एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी में हैं कि लोग इस समय चंद्रमा पर जाने के लिए ज़्यादा आतुर हो रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि बेसिक नीड्स जो है हमारे कोई भी पूरे जो है कि पृथ्वी पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ जीव रह सकता है तो लगभग 195 कंट्री हैं
195 कंट्रीज है, और जो जहां भी रहता है उनका सबका जो है एक मूलभूत जो जरूरत होते हैं वो है भोजन के, कपड़े के। और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन 2019 के हिसाब से 136.64 करोड़ है, ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर हर लोगों से अगर आप एक एक रुपए ले लीजिए तो हर एक के पास जो है लगभग 136.64 करोड़ रुपए हो सकते हैं, इतनी जनसंख्या है यहाँ पे। ये 2019 का डेटा है। अब हम देखते हैं तो इसमें से 60% लोग जो है हमारे भारत में वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं। और ये कृषि उद्योग जो है हमारे भारत की इकोनॉमी में सिर्फ 18% योगदान देता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या 136.64 और जबकि चाइना की जो है लगभग 139 है, हमारा क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो चाइना के मुकाबले कम है, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या लगभग 136.64 करोड़ है। इसमें 60% लोग जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर का योगदान खाली सिर्फ 18% है। इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे भारत की जो है एग्रीकल्चर से लगी हुई है, जो कि बेसिक नीड है, बिना भोजन किए तो कोई रह नहीं सकता, और उसका सिर्फ 18% योगदान है। बाकी जो है हमारे प्राइवेट नौकरियां और सरकारी नौकरियां और दूसरे उद्योग से और कार्यों से जो है आते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या लगने के बावजूद भी है सिर्फ 18% क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चर सिस्टम इतना वीक है या फिर उसको इतना बुरा मानते हैं कि अगर एक पढ़ा लिखा आदमी एग्रीकल्चर करता है तो उसको बुरा मानते हैं? क्यों? क्योंकि हाई डिग्री लेने के बाद जो है एक साधारण सा काम जो ट्रेडिशनली बहुत समय पहले से करते आया जा रहा है वो अगर काम करते हैं तो उसको बुरा मानते हैं। क्यों बुरा मानते हैं? क्यों नहीं जो है लोग रिसर्च करके इस 60% पॉपुलेशन जो है हमारे एग्रीकल्चर में लगी हुई है वो कम से कम अपनी तरफ से 1% योगदान करके इकोनॉमी में 60% योगदान दे? उसका कारण है, कारण ये हो सकता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो लोगों को इतना नहीं बता पाया है इम्पोर्टेंस की कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन सी नहीं। तो इस चीज़ को अब जो है हम समझते हैं कि हमारा जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट है किस तरह से मायने रखता है हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ इंडिया या फिर किसी भी कंट्री के लिए। सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंस में देखते हैं कि सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश जो कि लैंग्वेज आते हैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जिसे हम भाषा कहेंगे, और भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों से प्रकट करता है। तो विचार के अलावा साथ साथ उनकी कल्पनाएं भी होती हैं, वो भी प्रयुक्त करते हैं, वो सब प्रकट करते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है कि मानव जाति द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक प्रणाली को हम भाषा कहते हैं। मतलब मनुष्य अपने विचारों को तीन तरीके से जो है दूसरे को बता सकता है, एक तो मौखिक बोल कर, लिखित लिख कर और सांकेतिक संकेतों के द्वारा जो है समझा सकता है। इन सभी का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन रिश्तों को बनाए रखना, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, विदेश में हो, वहाँ पे रिश्तों को बनाए रखने के लिए भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने विचारों को, कल्पनाओं को व्यक्त करने से एक दूसरे के बीच में संबंध बनाए रखते हैं। अगर हम भाषा गलत प्रयोग करते हैं तो उससे जो है हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। नौकरी पाने या व्यापार करने में हम रिज्यूमे जब देते हैं तो उसमें अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि भाषा कौन कौन सी हमें आती है, या फिर किसी कंपनी में अगर हम अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं। तो उसमें जो हमारी मूल भाषा होती है उसके अलावा अंग्रेजी जो है वह जरूरी मानते हैं कि आना चाहिए। क्यों? बहुत से जो निर्देश होते हैं वो अंग्रेजी में अगर होते हैं तो उनको समझने के लिए अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए भाषा हम देख रहे हैं कि नौकरी को पाने के लिए भी ज़रूरी होती है आगे चल के। कौशल बढ़ाने में मतलब अगर स्किलफुल बनना है, किसी को कौशल को बढ़ाना है, उस केस में भी जो है हमें भाषा का प्रयोग आना चाहिए, वो भी अच्छी तरह से आना चाहिए। मल्टीलिंगुअल बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको कई भाषाओं का ज्ञान होता है वह किसी समस्या को बड़े अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर देते हैं। इसलिए
मल्टीलिंगुअल होना ज्यादा अच्छा होता है, इससे जो है लोग ओपन माइंडेड होते हैं, नैरो माइंडेड और ओपन माइंडेड लोग होते हैं। ओपन माइंडेड मतलब किसी भी विचार को अगर उनके दिमाग में आ रहा है या किसी के प्रति कोई बात कहनी है, वह खुले दिमाग से बोलते हैं ताकि किसी भी चीज पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके, उनको हम कहते हैं ओपन माइंडेड। और ऐसे लोग एम्प्लॉयर को बड़े पसंद होते हैं, एम्प्लॉयर मतलब जो आपको नौकरी दे रहे हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है यह हमें जो है नौकरी पाने के साथ साथ व्यापार करने में भी बहुत जरूरी होता है। आप अगर एक व्यापारी हैं, आप अगर भाषा का कुशल प्रयोग जानते हैं, तो उससे सामने वाले के साथ जो है आपका व्यापार बड़े अच्छी तरह से होगा, डीलिंग अच्छी तरह से होंगे। इस तरह से भाषा का हम देखेंगे कि नौकरी पाना हो या चाहे व्यापार करना हो उसमें बहुत जरूरी होता है। यात्रा के अवसर भी इससे बढ़ते हैं, आप एक जगह अगर रह रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं वहां पे दूसरी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भाषा को अगर आप जानेंगे तो यात्रा करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि यात्रा करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वहां चले गए, वहां की चीज़ों को समझने के लिए, लोग कैसे रहते हैं वहां के, कल्चर को समझने के लिए, क्या उनका इतिहास रहा है, इन सभी को जानना भी जरूरी होता है, तभी घूमने का सही मतलब समझ में आता है। तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बजाना जरूरी है। जैसे भारत देश में कम से कम दो भाषा जानना बहुत जरूरी है, एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश। अगर हिंदी नहीं तो कम से कम इंग्लिश जो है हम अपनी बातों को समझा सकते हैं, जबकि जो है भारत में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें एक इंग्लिश ऐसी भाषा है जो लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है, जहाँ पर अगर पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो कम से कम इंग्लिश जो है ज़रूर बोलते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ जो है यह पूरे देश में प्रयोग में आती है, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है। मतलब कार्य जो हमारे अधिकतर सरकारी दफ्तरों में होते हैं वो हिंदी में होते हैं और इंग्लिश में होते हैं। एप्लीकेशन अगर आपको लिखना हो, न पता रहे इन भाषा का ज्ञान, एप्लीकेशन अगर आप ठीक से नहीं रख सकते तो इसमें जो है अपने मनोभाव को आप नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए जो है भाषा इस तरह से बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को सिखाने के लिए जो है भाषा सबसे पहले आप उसे क्वेश्चन आंसर सिखाने से, याद करवाने से ज़्यादा बेहतर होता है हिंदी और अंग्रेजी की किताबों को कई बार पढ़वाएं। कई बार पढ़वाने से उन्हें शब्दों को बोलना और समझना आ जाएगा, फिर किसी भी प्रश्न उत्तर को या क्वेश्चन आंसर को इंग्लिश को उसको समझना ज़्यादा आसान होगा। व्याकरण का ज्ञान अच्छी तरह से इसलिए होना चाहिए ताकि हम भाषा को बड़े सुंदर रूप से बोल सकें, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। तो भाषा इस तरह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इनको समझना और पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर हम बचपन से ही बच्चों पर अगर जोर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे आगे चल के, क्योंकि बिना इम्पोर्टेंस का सबको चीज़ें ऐसी लगती हैं कि नहीं इसका कोई महत्व नहीं है, तो उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आगे चल के हमें सबसे पहली ज़रूरी होती है अपनी भावनाओं को दूसरों को समझाना, अपनी ज़रूरतों को दूसरों को समझाना, और एक अच्छी भाषा में अगर उसको समझाएंगे तो उसका लाभ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी होती है सीखने के लिए। इसके पहले हमने देखा कि इंग्लिश और हिंदी भाषाएं होती हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे बाकी समाज में इंटरेक्शन के लिए, चीज़ों को बनाए रखने के लिए। इसके साथ ही साथ जो है हम आगे के जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों को समझने के लिए हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वो इंग्लिश में रहेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर जो है विदेश जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे हम, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैटर को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि मैथ और साइंस को समझने के लिए इंग्लिश या हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैथ जो है बाकी जितने भी विषय हैं इसके आगे, जैसे कि साइंस और सोशल साइंस, उनको समझने के लिए, उनको डेटा को समझने के लिए और उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए मैथ्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। यूँ समझ लीजिए कि हमारे लाइफ का मैथ्स जो है वो बेस होता है, और साइंस जो है, साइंस भी समझने के लिए हमें जो है मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने जीवन को समझने के लिए, पूरी पृथ्वी के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए इन दोनों विषयों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल साइंस जो कि समाज में रहने और बिहेव करने के लिए ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे हम पहले सिर्फ यहाँ पे मैथ और साइंस का उपयोग देखते हैं, क्यों ज़रूरी है ये दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के लिए।
तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट रखे हुए हैं, बाकी मैं जो है अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी टॉपिक्स पे इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो किस तरह से हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूटीन बजट, हमारा सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, एग्जाम पढ़ के पास करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मेन बात होती है जब रियल लाइफ में हम आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि बेसिक नीड्स हमारे फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स हैं, उन चीज़ों को कंटिन्यूसली हमें अपने आप को देने के लिए हमें सोर्स चाहिए मनी, और मनी को अर्न करने के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि पहले भाषा की ज़रूरत होती है ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लें। आप बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं लेकिन अगर आपको भाषा आती है तो आप अच्छी तरह से एक व्यापारी, एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं जिनमें कुछ जानकारियों के साथ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्किलफुल बनना चाहते हैं, एक हुनरमंद, एक कौशल व्यक्ति बनना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या फिर जैसे भविष्य को देखते हुए कि वह कंप्यूटर का ज़माना होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना होने वाला है, कोडिंग का ज़माना होने वाला है और ऐसे बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला है, उस जगह पे हमें यहाँ पे मैथ और साइंस में भी जो है एक ज़बरदस्त नॉलेज उसकी होनी चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए अगर आपने ये सोच के रखा हुआ है कि नहीं हाँ मेरा बच्चा जो है कि आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, या फिर जो है वो किसी भी ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा कमाए, तो उसमें आता है सबसे पहले रूटीन बजट। आप कमा रहे हैं पैसे को, अगर एक बजट बना के अगर नहीं खर्च कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है आप उसमें फ़ायदे में नहीं रहेंगे, पैसे को बचा नहीं पाएंगे, उसको पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए वो नहीं पता चल पाएगा। ये कहलाता है रूटीन बजट, मतलब बजट में हम प्लानिंग करते हैं कि खर्चा कितना हमें करना है, कितना हमें सेव करना है, कहाँ सेव करना है ताकि हमें रिटर्न जो है वो अच्छा मिल सके। नेक्स्ट वही है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट में यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ सिर्फ मनी मैनेजमेंट है, लेकिन इसके अगर हम देखें तो बहुत लंबा टॉपिक मिल जाएगा उस पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उनको अर्न करना, अर्न करने के बाद उसका एक पर्टिकुलर एक प्लान वे में उसकी सेविंग करना, ये बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए मनी मैनेजमेंट के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए जो है हमें मैथ और साइंस जो है आना चाहिए, ज़्यादातर इसमें रोल मैथ का होता है। शॉपिंग फॉर द बेस्ट प्राइस, तो बेस्ट प्राइस बिजनेस डीलिंग ये ऐसे होती है, कोई अगर सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमें बेस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है किसी पे जो है 20% डिस्काउंट है, अगर यही नहीं पता कि ये डिस्काउंट क्या होता है, अगर 20% है तो वो कितना होता है, 100 रुपये है तो उसमें से कितना छूट हमें मिल रहा है, 20% है तो मतलब कि 20 रुपये वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, क्यों वो 20% छूट दे रहा है जबकि उसमें रॉ मटेरियल कम्प्लीटली 100% मिलता था पहले, जो है कि वो 100% में अगर कोई चीज़ मिल रहा है अभी 20% क्यों छूट दे रहा है। इन सभी लॉजिक्स को समझना भी ज़रूरी है, जो कि इसमें मैथ्स में ही लॉजिकल और रीजनिंग चैप्टर होते हैं जिसमें समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कहता है शॉपिंग फॉर द बेस्ट प्राइस, मतलब आपकी डीलिंग इतनी अच्छी हो कि बेस्ट प्राइस में आप उसको जो है लगे कि नहीं जो पर्टिकुलर सामान खरीदा जा रहा है वो उस प्राइस को डिजर्व करता है। तो ये लॉजिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा सेल्फ को और दूसरे को भी, अगर आप लॉजिकली प्रूफ करते हैं तो ये आपका पता चलता है कि नहीं यार यू आर अ स्किल्ड पर्सन और आप शॉपिंग जो है वो बेस्ट प्राइस पे करेंगे। प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने के लिए भी जो है मैथ और साइंस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर आधा कप ले रहे हैं, एक चौथाई कप ले रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि आधा कप कितना होता है, एक चौथाई कितना होता है, कितना ml हुआ, ग्राम हुआ, ये सब हमें जो है मैथ में बेसिक से पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूरत होते हैं। फिगर आउट द डिस्टेंस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, तो हम अगर देखें तो पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको अलग अलग तरीके से बचाना भी जो है एक बुद्धिमानी होती है, उसके लिए हमें ये चीज़ें ही पता होनी चाहिए। आपके पास बाइक है कितना एवरेज देता है, पर्टिकुलर दो डिस्टेंस के बीच में कितनी दूरी है, उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, कार से जाना चाहिए कि बाइक से जाना चाहिए, खर्चा कितना होगा और समय कितना लगेगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है और टाइम को बचाने के लिए हमें जो लास्ट में यहाँ पे देख रखा है कि टाइम मैनेजमेंट आपका जो है इन सभी जानकारियों से ही होगा। इन सभी जानकारियाँ जब रहेंगी तभी, और इन सभी के लिए जो अगर आप टॉपिक देखेंगे तो क्लास 6 से नीचे से भी जो है ये सभी टॉपिक्स जो है आते हैं, लेकिन मैथ के अगर आप टॉपिक देखेंगे हर एक टॉपिक का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। अगर हम बच्चे को उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता चलेगा तो उन्हें जस्ट ये लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें बस खाली
एग्जाम देके पास होने के लिए क्लास सेवेंथ में, एट में, नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर नौकरी पाने के लिए। उसके बाद वो रियल एप्लीकेशन अगर सुने समझेंगे तो फिर जो है उनको पहले से अगर नहीं सीखेंगे तो वो सेविंग और उसको एक एक लॉजिकल वे में खर्चा करना उनको नहीं पता चलेगा। अंडरस्टैंडिंग लोन्स फॉर द कार, होम, स्कूलिंग एंड अदर पर्पज। किसी पर्पज के लिए अगर हम लोन लेते हैं बैंक से तो उसका क्या मतलब है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लेना सही है कि नहीं सही है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब तक आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके अपने आप को ये प्रूफ नहीं कर देंगे, नहीं हाँ इस स्थिति में मुझे लोन लेना सही है कि नहीं है, सारे रिस्क को मैनेज करना जरूरी है कि नहीं है, उनको समझे बिना अगर आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो बाद में हो सकता है पछतावा हो, और हो सकता है इसी मैथ के बेसिस पे आपको एक अच्छा एक डिसीजन मिल जाए जिससे आप जो है कि लोन लिए बिना ही जो है ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए भी मैथ की ज़रूरत होती है। डिजाइनिंग में जानते हैं हम, मैथ में बचपन से ही पढ़ते हैं, डिफरेंट शेप्स पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, ठीक है, पिरामिड पढ़ते हैं, सिलेंडर पढ़ते हैं, स्फेयर्स पढ़ते हैं, और इन सभी चीज़ का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। उन्हीं चीज़ों को जो है डिज़ाइनिंग में भी जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें आते हैं हमारे जो है कि डिफरेंट शेप्स, साइज और क्लोज सरफेस, नॉन क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, तो ये सारी चीज़ों की जो है जानकारी आपको एक बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग में, और ये जानते हैं कि हमारे मार्केट में डिज़ाइन का भी बहुत पैसा मिलता है। अगर आप एनिमेशन सीखते हैं जो कि एक कंप्यूटर नॉलेज है, एनिमेशन के बाद जो है आप डिज़ाइनिंग में महारत हासिल करते हैं तो डिज़ाइनिंग से भी जो है बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जाता है। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए जो है ये चीज़ें जो बहुत पहले से सिखाई जाती हैं उस पर अच्छी तरह से हमें गौर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट्स, जो है स्पोर्ट्स को जो है समझने के लिए भी जो है हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को समझने के लिए मैथ और साइंस दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्स हम कोई भी लेते हैं तो वहाँ पे जो है फिजिक्स और मैथ दोनों अप्लाई होता है। इसको अगर आप देखते हैं तो स्पोर्ट्स में अधिकतर चीज़ें हैं प्रोजेक्टाइल्स मोशन होते हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी चीज़ को अगर एक फेंका जाए तो एक प्रोजेक्टाइल लेता है, ठीक है। जैसे वॉलीबॉल में है सर्विसिंग की जाती है तो उसमें अगर हम बॉल को नचाते हुए अगर फेंकेंगे तो उस पर फिजिक्स लॉ जो है वो लागू होता है, और एक ये प्रोजेक्टाइल होते हैं। इसमें ये होता है कि सामने वाला खिलाड़ी अगर इन सारी चीज़ों का जानकारी नहीं रख पाता है तो उसमें जो है जीतने हारने का इन सारी चीज़ों का उसमें डिपेंड करता है। तो मैथ के नॉलेज जो है स्पोर्ट्स को समझने के लिए अगर इस पे समझें तो हर एक जगह पे जो है कि मैथ और साइंस का एप्लीकेशन होता है इन सभी चीज़ों को। उसमें अगर हम एक एक टॉपिक लिया जाए तो बहुत से हो जाएंगे, जब हम पर्टिकुलर टॉपिक देखेंगे तो उसमें उस पर डिस्कस करेंगे। प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक फिजिक्स अप्लाई होता है म्यूजिक पे। अगर हम गिटार देखें उसके तार को अगर खींचा जाता है तो एक प्रकार का साउंड निकलता है, वो कितना टाइट होता है, कितना ढीला होता है, किस मेटल का वो बनाया जाता है, कितना अच्छा साउंड निकलता है, ये सब डिपेंड करता है उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्योंकि मेटल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो केमिस्ट्री हो गई, और वो जब स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया जाता है वाइब्रेशन से कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उस साउंड को मैनिपुलेट करना और अच्छा बनाना हमारे कानों को अच्छा लगे, तो वहाँ पर मैथ और साइंस दोनों आता है। क्योंकि ये म्यूज़िक बजाया किसके लिए जाता है, हम मनुष्यों के लिए, हम एक दूसरे को समझाने के लिए। वो हैं क्या, आते हैं बायोलॉजी में, लोगों को समझना, उनके दिमाग को समझना, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, नहीं अच्छी लगेंगी, इन सभी चीज़ का जो है ये एप्लीकेशन होता है प्लेइंग म्यूजिक में। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को बताया कि अगर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसको सबसे पहले करें और जो कम ज़रूरी है उसको सबसे बाद में करें। जब हम एक दिन का ज़रूरत के काम को पूरा कर लें उसके बाद जो है टाइम होता है तो हम अपने आप को एंटरटेनमेंट करते हैं या फिर रिफ्रेश करते हैं ताकि उस काम को फिर से और अच्छे से किया जाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट में आता है। चार स्क्वायर होते हैं इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, उससे लेस इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल भी ज़रूरी काम नहीं होते, उनको फोर्थ सेक्टर में रखा जाता है, जिसमें उसमें समझना पड़ता है, उसमें हमें कैटेगराइज करना पड़ता है। आगे चलकर मैं इसकी भी प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरह से हमें किस सेक्टर में कौन कौन से काम अपने डेली के रखने चाहिए, उनको कंप्लीट करने के बाद जो है हमें दूसरे जो है स्क्वायर का या फिर सेक्टर का काम करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथ और साइंस इसमें समझने के लिए है कि इन दोनों का एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन में भी जो है बहुत ज़रूरी है। घर बनाना हो, पुल बनाना हो, सड़क बनाना हो, ये सब कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। यहाँ पे मैथ और साइंस को अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो जल्दी टूट जाएंगे हमारे काम के लिए, उनकी लाइफ कम रहेगी। जैसे अगर एक घर बनाया जाए सीमेंट का तो उसकी लाइफ या फिर एक्सपायरी डेट माना जाता है 100 ईयर्स।
अगर चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा पूरी तरह से प्यूरिफाइड फॉर्म में अगर हम उसको प्रयोग कर रहे हैं तो 100 साल माना जाता है, उससे अगर गड़बड़ रहा तो वो 100 साल से कम रहेगा। जैसे अगर छत बनवाया, छत को अच्छी तरह से अगर प्लास्टर नहीं किया हुआ तो धीरे धीरे वहां पे काई जमने लगेगी, पानी इकट्ठा होगा, घर जो है रिसने लगेगा, उसमें जो सरिया प्रयोग किए हुए उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये आता है साइंस, वो समझना जरूरी होता है, उसके हिसाब से जो है घर बनाते वक्त इन सारी चीजों को हमें अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई अगर नहीं करेंगे तो हमें जो है जो इन्वेस्ट किया हुआ है मनी उसका जो है पूरा पूरा फायदा नहीं निकलेगा। तो ये सब कुछ हमने जो है एप्लीकेशन बनाए बताए हुए हैं, इसके एप्लीकेशन बहुत ढेर सारे हैं, हर एक चैप्टर हर एक लाइन में जो है कि डिफरेंट एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, उसको जो है हम एक डिटेल में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये देखें कि हम बच्चों को LKG से लेकर 12th तक पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, PhD होता है, तो एक लंबा जो है लगभग 25-26-30 साल का जो है इन्वेस्ट किया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट में अगर आप ठीक से नहीं समझने के लिए करेंगे कि बच्चा जो है बचपन से ही अच्छी तरह से जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो सारी चीज़ों को समझे और समझे करके अपने डेली लाइफ में अप्लाई करने लायक अगर नहीं बना तो फिर इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। उस चीज़ों से वो अच्छा पैसा नहीं कमा पाया, समाज में एक अच्छा जो है कि नाम नहीं कमा पाया, वो अगर जो है अपने सारे जीवन के अंत तक होने तक उसको अगर संभालने की उसमें हिम्मत नहीं हुई तो इन सब पढ़ाइयों का कोई मतलब नहीं। तो 12 तक अगर पढ़ रहे हैं, उसके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये समझ लीजिए एक लंबा टाइम और पैसा दोनों चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बेहतर है कि भाई सब चाहेंगे कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए। रिटर्न किस मामले में मिलेगा वो समझ सकते हैं, नौकरी लगने के बाद जो सैलरी मिलती है, जो वैल्यू होती है किसी आदमी की, वही रिटर्न होता है। तो यूँ समझिए कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर डेली के जो है हमारे पढ़ाई की चीज़ों को अगर आप ढंग से अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिटर्न जिस हिसाब का मिलेगा आपको उसी में सेटिस्फाई होना है। इसमें फिर इस बात का दोष नहीं देंगे कि नहीं हाँ मैं पढ़ा होता तो, आज मैं अगर ये वीडियो बना के लोगों के पास भेज रहा हूँ, लोग इसको देखते हैं समझते हैं, तो आप आज से अप्लाई करते हो तो इसका मतलब कि आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नहीं तो फिर जो है बाद में किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई मैं उस समय नहीं पढ़ा तो आज मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा उस तरह से। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंस ये है कि इट डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विद इन क्रॉस ग्रुप, किसी प्रकार के समूह में वहाँ की कल्चरल यूनिटी और जो विभिन्नताएँ हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसका क्या इम्पॉर्टेंस है, ये हम सोशल स्टडीज़ में पढ़ेंगे। सोशल स्टडीज़ में वैसे 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री इतिहास में हम हमारे जो इतिहास में घटित हुए हैं उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए होता है। सिविक्स जिसमें हम नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं और इसमें हम समाज में किस तरह से लोग रहते हैं, उनकी प्रथाएँ क्या चलती आई हुई हैं और इनको रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, एक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया हुआ है। और ज्योग्राफी में भूगोल में इस पृथ्वी पे जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मनुष्यों का हुआ है और किस तरह से जो है कि यहाँ पे पहाड़, नदी और पठार इलाके, इन सब का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो ज्योग्राफी में बताया गया हुआ है। सभी चीज़ों को मिला जुला के इसमें बताया गया है। पीपल इन डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली, ये भी इसमें बताया गया है कि लोग जो अलग अलग समय पे और जगह पे जो रहे हैं उनका इस संसार के प्रति क्या व्यूज़ हैं, क्या उनके विचार हैं, वो बदलते हैं समय और जगह के अनुसार, वो भी इसमें बताया जाता है। इट हेल्प्स टू यूज़ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, इसमें जो है हम ये भी देखेंगे कि किसी प्रकार का स्रोत है उसको किस तरह से जो है हम लॉजिकली यूज़ करें। यहाँ पे स्रोत कहने का मतलब है जैसे सन, एनर्जी, वाटर, रिसोर्सेज ऑफ वाटर और लैंड और मिनरल्स, इन सभी चीज़ों का लॉजिकल यूज़ करना और रैशनल यूज़ करना जो है बताया जाता है। डेटा रिसोर्सेज, डेटा सोर्सेज किसी प्रकार के डेटा हो या फिर ज्योग्राफिक जो टूल्स होते हैं जैसे कि एटलस, मैप, चार्ट, ग्राफ, इन सभी को जो है प्रयोग में लाया जाता है। किस लिए? टू जनरेट, मैनिपुलेट एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, किसी सूचना को बनाना, उनको जो है हेराफेरी करना और साथ में जो है इंटरप्रेट करना, मतलब ये चीज़ अगर घटित हुई है तो इससे क्या घटित हो सकती हैं, उनका कंक्लूजन निकालना और उनके हिसाब से कार्य करना, इस तरह से जो है हमारा सोशल स्टडीज़ की स्टडी जो है वो
इम्पोर्टेंस रहते हैं। और ये हम जानते हैं कि हमारे 60% जो जनसंख्या है भारत देश की वह एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो हमारे जो है 18% इकोनॉमिक में उनका भागीदार है। तो अब जब एग्रीकल्चर संबंधित है, एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं हमारे ज्योग्राफी से, तो इस तरह से जो है सोशल स्टडी का स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मामले में अगर देखें तो, क्योंकि हम इसमें इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट और इकोनॉमिकल जो इनका योगदान होता है सभी प्रकार के सेक्टर जो होते हैं, अब वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन सभी का जो योगदान होता है उसमें ये देखा जाता है।